नमस्कार दोस्तों, दिव्य किचन किंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वेज नूडल्स की रेसिपी बताएंगे जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे। वेज नूडल्स हमारे बहुत ही आसान रेसिपी है, वीडियो को अंत तक देखना। बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे कैसे आपके नूडल्स कढ़ाई में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं, सही उबल नहीं पाते हैं, अक्सर लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नूडल्स बनेंगे हमारे, तो चलाइए ऐसे टेस्टी और स्वादिष्ट वेज नूडल्स बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज लिए, प्याज की कटिंग और शिमला की कटिंग, सबकी कटिंग लंबी लंबी चॉप करना है आपको। 2 से 3 हरी मिर्ची चॉप की, गाजर की भी लंबी लंबी कटिंग है, सभी चीज़ की लंबी लंबी कटिंग की है। एक बाउल नूडल्स लिया है जो हमने पहले से उबाल के तैयार रखा हुआ था, 10 से 15 मिनट उबाल के तैयार रखा हुआ था हमारा नूडल्स, वो लिया है। एक फ्राई पैन लेंगे, उसको अच्छे से गर्म करेंगे। फ्राई पैन को अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल की मात्रा ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऑयल की मात्रा कम ही रखेंगे, क्योंकि नूडल्स में ऑयल कम ही रखा जाता है वरना चिपचिपे हो जाएंगे। इसलिए अक्सर लोगों के नूडल्स चिपचिपे होते हैं, वो ऑयल ज़्यादा रख देते हैं, ऑयल कम रखना है अपने को। इसमें हरी मिर्ची को फ्राई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद शिमला मिर्च, गाजर और उसके बाद ऐड करेंगे प्याज। आखिरी में ऐड करेंगे पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ी कम सॉफ्ट रहती है, इसलिए आखिरी में पत्ता गोभी को ऐड किया जाएगा। ये पत्ता गोभी ऐड कर दी हमने। वेजिटेबल आप अपने अनुसार रखते हो कम ज़्यादा, आपको जैसा पसंद हो वैसा वेजिटेबल आप कम ज़्यादा रख सकते हो। और सभी को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कच्चे रखेंगे वेजिटेबल, 67% तक पकाएंगे, उसके बाद नूडल्स ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने नूडल्स ऐड कर दिया है, और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी वेजिटेबल के साथ। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर दिया सभी के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने से आपका नूडल्स चिपकेगा नहीं, अक्सर लोगों को नूडल्स, इसीलिए हल्का सा पानी ऐड करिए आप, गुलाब जल, इसी टाइप से आपके नूडल्स चिपकेंगे नहीं। ज़्यादा नहीं डालना है आपको, हल्की सी मात्रा पानी की रखेंगे, नूडल्स थोड़े सॉफ्ट बनेंगे और चिपकेंगे नहीं। इस टाइप से देखिए नूडल्स को थोड़ा अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया जाए, थोड़ा सा अजीनोमोटो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रखेंगे। उसके बाद ऐड किया जाएगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सबको ऐड कर दिया है। उसके बाद सोया सॉस, कौन सी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो सोया सॉस। उसके बाद ऐड किया जाएगा ग्रीन चिल्ली, हल्की सी ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड किया जाएगा इसमें रेड चिल्ली, रेड चिल्ली मोम्स की ऐड की है। विनेगर, थोड़ा सा विनेगर ऐड किया जाएगा, और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जीरावन, जीरावन से अपने नूडल्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ये कुछ सीक्रेट बता रहे हैं हम। जीरावन ऐड करने से आपके नूडल्स चटपटे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इसलिए ये ध्यान रखिए आप, जीरावन से आपके नूडल्स में टेस्ट आ जाएगा बहुत अच्छा। और आखिरी में ऐड करेंगे केचप, टमाटर सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सबको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, और आखिरी में ऐड किया जाएगा हरा धनिया, हरे धनिया के साथ नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइप से अपना नूडल्स बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हुआ है। इसी टाइप से आप नूडल्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रोज़ हमारे नए नए वीडियो देखना। धन्यवाद।